बृहस्पतिवार की कहानी अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात इसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन स्मरण करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और बहुत से काम है जिनको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझा, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीता होगा कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश गमन करते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे मैं क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की अपनी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक कह सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरु आ आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे।
तो वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दो थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सब गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार का पूजन करने से बृहस्पति भगवान की कृपा उन पर हुई और उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से पुनः धन वापस मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि हे रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार की व्रत कथा के कारण रानी का धन और संपत्ति से घर भर गया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मन, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा कह सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण दुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। दो पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद का वितरण करो और खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा ही नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे तथा बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार के दिन भगवान का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, आग ना जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। वह वहां दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार अवश्य ही इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, रे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है,
वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा प्रार्थना की तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण आदि देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव भगवान की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोलो लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन ही लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है जैसे कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटाया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई? राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से
बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनका व्रत किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी, इसलिए पूर्ण कथा को सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही घर जाना चाहिए। हृदय से भगवान विष्णु का, भगवान श्री जगदीश का, बृहस्पति भगवान का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।